हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आज मैं लाया हूं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्शन फार्मूला। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन का बस दबाइए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालिए व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो डिवाइड्स करता है लाइन सेगमेंट को। वह लाइन सेगमेंट कैसे बनता है, यहाँ दिया हुआ है, ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है, एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड्स करता है। किस रेशियो में डिवाइड्स करता है, 2:3 में। तो कह रहा है कि जो पॉइंट इसको डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट निकालिए। यानी दो पॉइंट्स दिया हुआ है -1 और 7, यहाँ पहले दो पॉइंट लिख लेता हूँ -1 और 7, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, 4 और -3। इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाले एक लाइन सेगमेंट यह दिया हुआ है, इसका नाम मैं दे देता हूँ P, इसका नाम मैं देता हूँ Q। क्या उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं कि एक R ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड करता है, और इसका कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूँ X एंड Y। लेकिन यह पॉइंट R PQ को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये भी दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, 2:3। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 और यहाँ लिखिएगा 3। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, ये -1 क्या है, x1 है, और 7 क्या है, ये y1 है। क्लियर, ये 4 दिया हुआ है, x2 क्या है, 4 है, एंड y2 क्या है, -3। एग्जामिनेशन में लिख दीजिएगा x1=-1, y1=7, x2=4, y2=-3। एंड ये क्या है, m है, लिख दीजिएगा एग्जामिनेशन में m=2 एंड n=3। राइट, अब मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ। वी नो डैट बाय सेक्शन फार्मूला x=, क्या होता है फार्मूला, mx2+nx1 डिवाइड बाय m+n, यही होता है फार्मूला। m का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए m का वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ लिखिए m का वैल्यू 2 और मल्टीप्लाई, x2 का वैल्यू दिया हुआ है 4, इसके जगह पर रख दीजिए 4 प्लस, एंड वैल्यू ऑफ n =3, सो n के प्लस पर रखेंगे 3, एंड वैल्यू ऑफ x1=-1, सो x1 के प्लस पर रखेंगे -1, डिवाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, यानी 2, एंड वैल्यू ऑफ n=3। मैं शिफ्ट कर दिया हूँ m और n का वैल्यू, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, प्लस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। क्लियर, और 2+3 दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आएगा 5, एंड 8-3 कितना आएगा, 5। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी =1। सो x का वैल्यू निकल गया 1। अब हमें निकालना है y का वैल्यू। अगर x का वैल्यू मालूम हो जाता है, ये जो x देख रहे हैं ना, ये व्हाट, यही तो हमें निकालना है। अगर x एंड y का वैल्यू निकल जाता है तो r का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और वही मांग भी रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो पी क्यू को डिवाइड करता है। तो r ही ना वह पॉइंट है जो पी क्यू को डिवाइड करता है, तो फाइनली y हमें निकालना है। अगेन y का फार्मूला क्या होता है, my2, सब चीज़ सेम रहता है, बस x के प्लेस पर y से रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है x के प्लेस पर y लिख दीजिए। सो my2 एंड y1 बाय m+n =, m का वैल्यू 2 एंड y2 का वैल्यू -3 प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है 3 और मल्टीप्लाई, और y1 का वैल्यू दिया हुआ है 7 और डिवाइड बाय m+n यानी 2+3। इसको भी सॉल्व कीजिए, तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा -6, और +3 को 7 से कीजिएगा तो आएगा 21, और डिवाइड बाय 2+3 5, यानी 21 में 6 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 15, तो 15 और डिवाइड बाय 5, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, यानी 3। y का वैल्यू निकल गया 3 एंड x का वैल्यू निकल गया 1। सो फ्रेंड, फाइनली हमें निकालना है r का कोऑर्डिनेट्स, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r निकल जाएगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r =, क्या है, x एंड y,
सो एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू कितना आया 3। सो आर का कोऑर्डिनेट हो गया 1 एंड 3। यही कोऑर्डिनेट आर 1 एंड 3 पी क्यू को 2:3 में इंटरनली डिवाइड्स करता है। ओके अब फिर मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द रेशियो, रेशियो का हल निकालने के लिए, इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कराता है। किस दो पॉइंट्स को? एक -3, 10 को और दूसरा जो पॉइंट है 6, -8 को ज्वाइन कराता है एक लाइन सेगमेंट। इज डिवाइडेड बाय -1, 6 और ये जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट को -1, 6 जो उसको डिवाइड करता है। और दोनों एक ही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का ढंग अलग है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। यहाँ देखिए एक लाइन सेगमेंट मैं ले लेता हूँ और यह लाइन सेगमेंट कैसे बना है? दो पॉइंट को मिलाने से बना है। तो दो पॉइंट को पहले मैं लिख देता हूँ, एक इसको नाम दे देता हूँ P -3 एंड 10 और दूसरा पॉइंट है Q 6 -8। और इस लाइन सेगमेंट को कौन सा पॉइंट डिवाइड करता है? -1, 6 पॉइंट्स डिवाइड्स करता है इस लाइन सेगमेंट को। इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ R और इसका कोऑर्डिनेट है -1, 6। पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड करता है यह आपको निकालना है, दिया हुआ नहीं है। तो इसको मैं मान लेता हूँ या K 1 में डिवाइड करता है। फ्रेंड्स जब भी अगर है ना रेशियो निकालना तो हमेशा K 1 ही लीजिएगा, M n मत लीजिएगा, इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। और यह मैं बता भी चुका हूँ K 1 कैसे आता है, यह सारा एक्सप्लानेशन मैं कर चुका हूँ। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये क्या है X1 और ये दिया हुआ है Y1। क्लियर? ये क्या है -1, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये क्या है वाई का वैल्यू है 6। ये देखिए ये क्या है आपका X2 और ये क्या है Y2। ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब के का वैल्यू केवल निकालना है। फ्रेंड एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ हो और ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को K 1 में डिवाइड करता है, हमें के का वैल्यू अगर निकालना हो तो ये ध्यान रखेंगे अगर आर का कोऑर्डिनेट दोनों न्यूमरिकल वैल्यू देता हो यानी ए और बी के प्लेस पर कोई भी नंबर हो, 1, 0 हो, -1 हो, √2, 1 हो, कुछ भी हो, कोई नंबर हो, तो एक्स ये एंड वाई दोनों में से किसी एक फार्मूला का यूज करके हम रेशियो निकालेंगे। दोनों फार्मूला का यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि यह पॉइंट आ रहा है, इसका यह एक्स है और ये 0 है, तो हमें यहाँ देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सा है यहाँ पर 0, 0 को नंबर है लेकिन एक्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ दे नहीं रहा है, इसलिए इस कंडीशन में हम वाई का फार्मूला लगाएंगे, Y = MY2 + NY1 / M + N, इसका फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर y है, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? x का फार्मूला लगाएंगे, यानी जो हमें न्यूमरिकल वैल्यू देता है उसी का हम फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों का दोनों न्यूमरिकल वैल्यू देता है, तो हमें k का वैल्यू निकालने के लिए किस फार्मूला का यूज करेंगे? मैं अभी बता चुका हूँ, दोनों में से किसी एक फार्मूला का यूज कर लीजिए, तो बाइसेक्शन फार्मूला X = क्या होता है KX2 + X1 / K + 1। ये मैं बता चुका हूँ यानी इम्प्लाइज X का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए तो X का वैल्यू क्या दिया हुआ है -1, तो X के प्लेस पर रख देता हूँ मैं -1 = K। K का वैल्यू हमें निकालना है, मल्टीप्लाई X2 का वैल्यू 6 + X1, X1 का वैल्यू -3, तो यहाँ लिखिए -3 और डिवाइड बाय K + 1, इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, सो -1 × K + 1 = K को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6K आएगा ±3 यानी इम्प्लाइज -1 को K से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा -K, -±, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 1 = 6K और -3 यानी इम्प्लाइज K को एक साइड कर लीजिए और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको एक साथ कर लीजिए, सो -K 6K को लेफ्ट साइड ले आइएगा तो -6K = ये क्या है -3 एंड -1 को राइट साइड ले जाइएगा तो हो जाएगा +1, सो -K - 6K दोनों मिलकर हो जाएगा -7K = -3 + 1 हो जाएगा -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो K का वैल्यू कितना निकल गया 2/2
सेवन यानी के इक्वल टू 2:7 कह क्या रहा है, इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में यह पॉइंट आर इसको पी क्यू को डिवाइड करता है। अगर के का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इंटरनली डिवाइड करेगा, अगर के का वैल्यू नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। सो हमें के का वैल्यू ही तो निकालना है, तो 2:7 आ गया। और लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, सो देयर फोर पॉइंट आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो 2:7 हो गया आंसर। और इसी के का वैल्यू हम रफ में देख लीजिए, इसको परीक्षा में लिखना नहीं है, इसी के इक्वल टू क्या होता है, m/n यानी 2:7 यानी m/n = 2:7 राइट। तो हमें निकालना है रेशियो, तो रेशियो क्या निकल गया, 2:7 यही फाइनल आंसर हुआ, 2:7 इसको लिखना नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि के इक्वल टू एम बाय एन दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ नहीं है। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।